सो गाइस, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अभी भी 85% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और अगर आप हमारी मेहनत की कदर करते हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 10,000 लाइक का, सो आई होप आप 10,000 लाइक आसानी से कंप्लीट कर दोगे। साला खटारे का डब्बा, जब देखो तब खराब हो जाता है, और साला इसका मालिक भी हर हफ्ते इसको ठीक करवाने के लिए लेकर आएगा, लेकिन नहीं लाएगा। चलो कोई नहीं, मेरा काम तो हो गया, मुझे तो ठीक करना है। आज चलता हूँ मेरी जान से मिलने, सेठ जी से बोलता हूँ, कार मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, पता नहीं कौन सी देंगे। सेठ जी सुनिए, मेरा काम हो गया, और सुनिए, मेरे को थोड़ी जीप चाहिए, तो आप दे सकते हो, किसी से मिलने जाना है। अरे अजय, जीप चाहिए ना, अब इसमें पूछने जैसी कैसी बात है। जा रमेश से जाकर चाबी ले ले जीप की, और तुझे जहां जाना है जा, तू मेरा अच्छा आदमी है, इसलिए तेरे लिए जीप तू जब चाहे तब ले जा सकता है। जा, ठीक है, रमेश के पास चाबी है, उससे ले ले, और फिर तेरे को जहां जाना है जा, बस रोज टाइम पर काम पे आ जाया कर, है ना। ठीक है सेठ जी, जैसा आप बोलो। हेलो रमेश, सुन, वो जीप की चाबी देना, मेरे को कहीं पर जाना है आज किसी से मिलने, तो चाबी दियो जीप की। ये ले भाई अजय, जीप की चाबी। चलो फिर ठीक है, चलता हूँ मैं सेठ जी। यहीं पे वेट कर रही होगी यार मेरी जान, देखो वो रही। लो मैं आ गया। हेलो पलक, कैसी हो? हाँ ये जी, कैसे हो, आ गए तुम, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया, तुम्हें तो पता ही है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यार थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है ना, तो उसमें लेट हो जाता हूँ, तो यार गुस्सा मत होया करो, चलो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, छोड़ो इसे। सुनो अजी, तुम्हारी पढ़ाई कब पूरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। अरे शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करना चाहता मैं, समझ रही हो ना तुम मेरी बात। चलो इधर आना जरा, कितना अच्छा नज़ारा है यार यहाँ का, इधर आओ पलक, कितना अच्छा नजारा है बीच का। हाँ हाँ अजीब, बहुत अच्छा नजारा है। सुनो पलक, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। हाँ अजी, मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी हमें निकलना चाहिए यहाँ से, वरना घर वाले बहुत डांटेंगे, चलो जल्दी चलो ना। हाँ पलक, हमें चलना चाहिए, वरना ज्यादा लेट हो जाएंगे। अरे यार, इस खटारा में भी अभी प्रॉब्लम होनी थी, साली बार बार बंद हो रही है। अरे क्या हुआ मैडम, कोई गाड़ी में दिक्कत विक्कत है क्या? हाँ भैया, इसे देखो ना जरा, बार बार बंद हो रही है चलते चलते, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ कीजिए इसका। चलिए मैडम, पास ही में हमारा वर्कशॉप है, वहाँ पर गाड़ी ले चलता हूँ आपकी, वहीं ठीक करूँगा। सुनिए मैडम, मेरे को थोड़ा कुछ काम याद आ गया है, तो मैं वो करके आता हूँ, तो मेरा जो दूसरा मिस्त्री है ना, वो आपकी गाड़ी बना देगा, ठीक है ना। सुन भाई अजय, जा उस गाड़ी को ठीक कर दे, उसमें क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है? ठीक है रमेश, तू जा, मैं कर दूंगा इसे ठीक, देखता हूँ क्या मिस्टेक हो रही है। मैडम आप अंदर ही बैठ रहना, स्टार्ट करके देखना होती है कि नहीं होती है, बस ज़्यादा मिस्टेक नहीं लग रही इसमें मुझे। कब तक ठीक हो जाएगी भैया, कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में? हाँ बस हो ही गई मैडम, चलिए स्टार्ट करिए। हो गई ना स्टार्ट, देखो एक नंबर हो गई, बस थोड़ी सी मिस्टेक थी, हो गई स्टार्ट। कितने रुपए हुए भैया बोलिए? बस ज्यादा नहीं मैडम, 100 रुपए हुए हैं। पलक तुम? अजय तुम यहाँ पे काम करते हो? हाँ हाँ, मैं यहाँ पर पार्ट टाइम काम करता हूँ, क्योंकि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अभी थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। अजय मुझे तुम पे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कोई भी काम नहीं करते। हाँ तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारे 100 रुपए बन रहे हैं ना, तुम 100 रुपए ले लो, और आज के बाद आइंदा से मुझसे बात भी मत करना। सॉरी यार पलक, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मेरी नौकरी लग जाएगी ना यार। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं नहीं रहना चाहती तुम जैसे गरीब के साथ, जा रही हूँ मैं, और ये लो तुम्हारे 100 रुपए जो तुम्हारे गाड़ी ठीक करने के बने हैं, जा रही हूँ मैं।
बाय बाय, आइंदा से मुझसे बात भी मत करना, ना मुझसे कभी मिलना। अरे सुनो ना यार, प्लीज प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज। अरे यार अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं। अरे क्या हुआ अजय, इतना उदास क्यों है आज? हाँ ऐसी क्या बात हो गई? क्या करूँ यार, बात ही कुछ ऐसी है कि साला पूरा मूड खराब हो गया है। क्या बात हुई है जरा बताएगा मुझे? अबे यार मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि मैं गरीब हूँ और मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो उसने मुझे छोड़ दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है यार। उसने तुझे गरीब समझ कर छोड़ा है ना, तो इस बात को अपने दिल से लगा ले। और जो तू काम कर रहा है ना, गाड़ी का इंजन बनाना चाहता ना, उस पर फोकस कर और एक बढ़िया सा इंजन बना, समझा? और अपना नाम कमा। हाँ यार अब यही करूँगा। छः महीने बाद अजय को एक कंपनी के ऑफिस से फ़ोन आता है। हेलो भैया, ये गरीना मोटर्स बरमुडा का ही ऑफिस है ना? हाँ सर वही है, लेकिन आप कौन? मेरा नाम अजय है। ओह तो आप अजय सर हैं, जाइए जाइए अंदर, साहब जी आपका अंदर वेट कर रहे हैं। क्या सर मेरा अंदर वेट कर रहे हैं? चलो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ अंदर। हेलो सर, मैं अजय। ओह अजय आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वेल डन माय सन, जो तुमने इंजन बनाया है ना, वो हमारी कंपनी को बहुत पसंद आया है। क्या सर सच में मेरा बनाया हुआ इंजन आपकी कंपनी को इतना पसंद आया है? थैंक यू सर। अजय थैंक यू छोड़ो, और कल से ही हमारी कंपनी ज्वाइन करो, और आने वाले आगे के सारे इंजन तुम ही डिजाइन करोगे, समझे? क्या सर आप सच बोल रहे हो, कल से मैं कंपनी ज्वाइन कर लूं? सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आपकी बातों पे। वैसे भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा सर कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और आगे से आपकी कंपनी के सारे इंजन मैं ही डिजाइन करूंगा। थैंक यू सर। और अजय सुनो, मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ अभी 10 लाख रुपए एडवांस, समझे, हमारी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। और फिर क्या था, गरीना मोटर्स बरमुडा में अजय का सिलेक्शन हो जाता है। तो लीजिए मैडम जी, आ गए हम जहां आपको आना था, लीजिए उतरिए। थैंक यू भैया, अब आप जा सकते हैं। तो फाइनली आज मैं आ गई बरमुडा और पुगेटरी की सबसे बड़ी कंपनी में। चलो अंदर चलती हूँ, आपके सर ऊपर ही है ना? यस मैम। ओके तो फिर मैं ऊपर चलती हूँ। ओह तो यहाँ पर बैठे हैं इनके सर। हेलो सर। हेलो सर, मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है, आपने बुलाया था। सर आ गई ये लड़की जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था और आज इसका इंटरव्यू है। विकी जरा इधर आना। जी सर बोलिए। तुम ऐसा करो अभी नीचे जाओ। ओके सर जाता हूँ। तो बोलिए मैडम, कैसे आना हुआ आपका हमारी कंपनी में? हाँ वो सर आपने बुलाया था ना, आज मेरा इंटरव्यू है आपकी कंपनी में, इसीलिए सर। वो तो ठीक है, लेकिन आपने हमारी कंपनी क्यों चुनी? हाँ वो क्या है ना कि सर आपकी कंपनी बरमुडा और पुगेटरी की सबसे बड़ी कंपनी है और आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए सर मुझे सैलरी भी अच्छी मिल सकती है यहाँ पर, इसलिए मैं इस कंपनी में आई हूँ। ओह तो मैडम आपका लालच आपको यहाँ पर खींच लाया है? हाँ नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं दिल से काम करूँगी सर। हमारी कंपनी में दिल से काम करने वाले नहीं, दिमाग से काम करने वालों की ज़रूरत है, समझे? हाँ सर वो भी है मेरे पास। अरे अजय तुम,
हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? चौंक क्यों गई मुझे देखकर? जरा इधर आना, देखो आज किसी वक्त पर मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। अजय, तुम इस कंपनी के मालिक हो, लेकिन कैसे? तुम तो बहुत गरीब हुआ करते थे। हाँ, था एक टाइम जब मैं गरीब हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। और सुनो, अजय नहीं, अजय सर कह के बात करो, समझी? सॉरी सर, तो आप मुझे जॉब नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, जॉब तो तुम्हें मैं दूंगा। अगर मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा ना, तो तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा? हाँ, सॉरी अजय, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, माफ कर दो मुझे। सुनो मेरी बात, पहले तुम मुझे सर कहने की आदत डाल लो, और जो हमारे बीच दूरियां बन चुकी है ना, उन्हें कभी भी नजदीकियों में बदलने की कोशिश मत करना। अब मैं चलता हूँ। और हाँ सुनो, कल से टाइम पे आ जाना जॉब पे। तो आई होप गाइस आप सभी को वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो यार इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।